कलर्स टीवी के फियर फैक्टर गेम खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में ना जाने कितने ही अभिनेताओं और फेमस पर्सनालिटीज ने एक साथ पार्टिसिपेट लिया था, जहां पर ये अपने रियल लाइफ स्टंट से दर्शकों के बीच में काफी फेमस हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में दिखाई देने वाले वो सभी कलाकार और सितारों में से कौन रहा है सीजन में हिट और कौन रहा है सीजन में फ्लॉप? किस पर्सनालिटी ने दर्शकों का दिल जीतकर अपने आप को इस शो में हिट साबित किया और आखिरकार किस पर्सनालिटी ने दर्शकों के दिलों में जगह ना बनाकर अपने आप को इस शो में फ्लॉप कैटेगरी में शामिल किया है? अगर आप भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के इन दोनों ही हिट और फ्लॉप कलाकारों से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब कलर्स टीवी के बेहद ही फेमस एडवेंचरस शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकारों ने ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी कुछ फेमस डांसर्स ने भी पार्टिसिपेट लिया था, जिन्हें दर्शक पहली बार रियल लाइफ स्टंट परफॉर्म करते हुए देख पाए थे। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीवी के जाने माने अभिनेता करण पटेल ने और बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डांसर धर्मेश ने भी सीजन में हिस्सा लिया था, जो अपने अपने डांस टेक्निक्स और परफॉर्मेंस की वजह से इस सीजन में सुर्खियों का हिस्सा रहे थे, जिसके चलते इनमें से एक स्टार तो इस सीजन का सुपरस्टार और सुपरहिट कलाकार कहलाया, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर फ्लॉप एक्टर कहलाया। इसीलिए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड के डांसिंग गुरु धर्मेश सर के बारे में, जिन्होंने सीजन में अपने डांसिंग से ज्यादा लोगों को अपने टेक्निक से हैरान करके रख दिया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि धर्मेश डांस के अलावा भी कड़क जिगरा रखते हैं, कि ये मुश्किल से मुश्किल स्टंट को भी बड़ी ही हिम्मत के साथ पार कर सकेंगे। इनकी यही हिम्मत देखकर ऑडियंस उस सीजन में इनकी दीवानी हो गई थी। अब बात कर ली जाए टीवी के जाने माने एक्टर करण पटेल के बारे में, जिन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में पार्ट लेकर इस शो के टीआरपी को बढ़ाने की बजाय उल्टा घटा दिया था। जी हाँ, जैसे ये सीरियल में अपना बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया करते थे, लेकिन ये इस शो में अपने स्टंट और परफॉर्मेंस से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, जिसकी वजह से ऑडियंस इनसे नाराज हो गई थी। वह इनके आकड़ू बिहेवियर ने भी शो में इनके कुछ पॉपुलैरिटी नहीं दिलाई। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन दोनों ही कलाकारों में से कौन इस सीजन में सुपरहिट रहा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक कि धर्मेश ने सीजन में जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उससे इनकी तारीफ तो हर जगह हो ही रही थी। लेकिन जहां पर लोगों को ये लग रहा था कि धर्मेश कैसे हैवी और डिफिकल्ट स्टंट को कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने स्टंट भी किया और इस शो में सभी को अपने डांसिंग और फनी जोक से एंटरटेन भी किया था, जिसकी वजह से इस सीजन में दर्शकों ने इन्हें सुपरहिट माना और ये दर्शकों के हिट कंटेस्टेंट भी बन गए थे। अब इस सीजन में धर्मेश तो काफी हिट रहे ही थे, लेकिन टीवी के जाने माने एक्टर करण पटेल को इस शो में अपने खराब परफॉर्मेंस और बैड बिहेवियर की वजह से मुंह की खानी पड़ी थी। इसी के चलते तो इन्हें इस सीजन में एक फ्लॉप कंटेस्टेंट के तौर पर आंका गया, जिसकी वजह से ये सीजन में फ्लॉप साबित हुए। दोस्तों, आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में धर्मेश की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी या फिर एक्टर करण पटेल की? आप हमें अपना जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब का हमें भी सब्री से इंतजार रहेगा। बाकी ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करें।